Hello everyone and respected partners. Today we all are here to discuss and give the presentation on laws of motion. That's from 11th physics, and this comes under course 208. That's a reading and reflecting on that text. So myself Amit, we have Kiran, we have Sheetal, we have Neeta and Kajol. We are going to give presentation about this topic. We will be covering different laws of motion given by Newton. We will be discussing a little bit about the energy theorem, conservation of momentum, natural forces, that's all. Okay, so Sheetal, would you like to proceed further? Yeah, sure. Okay. Thank you, Amit sir. So today we are discussing about the first law of motion, right? So Newton ने हमको बहुत सारे एक बहुत important चीज सिखाई है motion के बारे में बताके कि हमको तो पता है कि fan घूमता है circular motion, बट उसको भी एक नाम है. ये सारी चीज़ें हमको पता चली है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो ही डिस्कवर द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, ऑक्सिलरी मोशन लाइक रोटेशनरी मोशन. सो न्यूटन्स का कहना था कि भाई ठीक है, हम लिविंग थिंग्स को वॉकिंग टॉकिंग ये मोशंस भी कंसिडर होते हैं, बट वॉट अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एनी ऑब्जेक्ट, बॉल, डस्टर, वॉट एवर इट इज, और ये जो बॉक्स फुल ऑफ products in it. So if we moving the box in this direction, this is a linear motion. So there is lots of motion. So law says state that ki koi bhi object remain in its stationary position unless and until koi external force usko act nahi hoga. Ab external force kya hoga? Kicking the ball, right? So we are applying the force on the ball and then ball moves. The ball moves in a स्टेडी पोजिशन में मूव होता है, तो अनलेस एंड अंटिल व्हेन देयर इज ब्लॉक और बॉल और समथिंग टू स्टॉप इट, इट कीप ऑन मूविंग अंटिल देयर इज अ ब्लॉक ऑब्जेक्ट ओवर देयर. सो न्यूटन सेड दैट कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अनलेस एंड अंटिल इट हैज एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सो थैंक यू. नाउ सेकंड लॉ विल कंटिन्यू विद Okay everyone, now we will proceed with the second law of motion. Thank you Sheetal, let me proceed with that quickly. Okay, so in the Newton's law of motion I try to mix it with theory of constructivism, that's a real life theory, how we explain Newton's different laws in real life manner. Newton ne bahut simple tarike se ye samjhane ki koshish ki ki jab cheeze influence mein aati hai तब उन पर फर्क पड़ता है. जब तक इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब तक उनके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं होगा, वो स्टेशनरी पोजिशन में रहेंगे. जैसे वो किसी इन्फ्लुएंस में आएंगे, वो इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं कि वो किसके कॉन्टेक्ट ही हो, वो इन्फ्लुएंस आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, दिखता नहीं है, हम टच नहीं करते, वो फोर्स हो सकता है आपका मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, जहाँ पर इंडक्शन हो रहा है टच नहीं हो रहा है, बट स्टिल इन सारे इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज हियर. That defines the first law of motion. If there is an external influence, it can change your position and it becomes your first law of motion. Now, second law of motion इतना ज़्यादा interesting है कि अगर आप उसको define करने बैठेंगे तो life के हर चीज में हम रोज के रोज उस चीज को use करते हैं. Just an example, मैं ऐसे ताली बजाऊं और मैं ऐसे ताली बजाता हूँ. अगर आप बहुत करेंगे इस ताली बजाने में आवाज भी ज़्यादा आएगी, मेरे हाथ में दर्द भी होगा. इस चीज को अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन करूंगा तो मेरे हाथ का मास वही था, मेरे हाथ का मास चेंज नहीं हुआ, बट मैंने वेलोसिटी बदल दी और वेलोसिटी बहुत जल्दी बदल गई, बहुत जल्दी बदल. अगर ये वेलोसिटी मैं धीरे से बदलता मेरे हाथ में दर्द नहीं होता. यही चीज अगर मैं तेजी से बदलता मुझे दिक्कत हुई. यही चीज किसी बच्चे को अगर आप हिट करेंगे धीरे से मारेंगे तो नहीं लगती है, तेज मारते हैं तो लगती है. इसका रीजन बहुत सिंपल सा न्यूटन ने डिफाइन किया कि फोर्स डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो मास हाथ का मास था, वेलोसिटी जिस तरह से वो मूव कर रहा है, बट अगर वो वेलोसिटी बहुत जल्दी से बदली जाए तो आप उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं और उसकी वजह से आपको डर या दिक्कत होगी. तो इस चीज को अगर मैं और छोटी छोटी चीजों में जस्ट एक जल्दी से डिफाइन करूंगा, उसके बाद मैं अपने अलग स्टूडेंट टीचर्स को इनवाइट करूंगा बोलने के लिए. अगर आप गौर करें तो जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं,
आप सीधे चलते हैं, आप भागने लगते हैं, आप नहीं कह रही है तो मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर सीधी तेजी से चल रहे हैं तो आप अपना मास वही रखा, बट आप अपना मोमेंटम, आप अपना क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ मोमेंटम बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी रेट ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा, चाहे दौड़ने के केस में हो, एक्सरसाइज करने के केस में, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बच्चे को अभी बोलता हूँ पुशअप करे, वो पुशअप धीरे धीरे करेगा, उसको उतना दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपको बहुत सारे ट्रेनर कार्डियो करने को बोलते हैं, जल्दी जल्दी कार्डियो करो, इससे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है, आपका रेट ऑफ मोमेंटम चेंज करने की कोशिश है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा और इसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसके बारे में मीना मैम बताएंगी। जस्ट मैं कवर करूंगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद मैं इनवाइट करूंगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, तो जैसे मैंने बताया, न्यूटन ने ये डिफाइन किया कि चीज किसी इन्फ्लुएंस में आई, तो पहला लॉ बताता है वो इन्फ्लुएंस क्या था, उस इन्फ्लुएंस की वजह से काम हुआ। सेकेंड लॉ ये बताता है कि उस इन्फ्लुएंस की वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, आपका रेट ऑफ फोर्स ऑफ मोमेंट, रेट ऑफ मोमेंटम बदला, इसकी वजह से फोर्स आई। और थर्ड लॉ क्या बताता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड लॉ ये बताता है कि आपने उसका प्रतिकार क्या दिया, आपने उसका रिफ्लेक्शन क्या दिया। आपको कोई आपकी पोजिशन चेंज कर रहा है, मैं आपको कोई हिट कर रहा है, तो आप क्या जवाब दे रहे हो, आप तो करोगे उस इन्फ्लुएंस में, वो प्रतिकार, वो इन्फ्लुएंस थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो इससे पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है, सिस्टम बॉडी का जो सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कहता है कि जितना फोर्स मैंने हाथ से लगाया, उतना ही फोर्स उस बॉडी ने, जिस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसने पहले भी लगाया, तो वो चीज़ें उसको इक्वलाइज करती हैं। इसी को एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि रॉकेट के उड़ते समय आप देखते हैं।